देखिए हमें आज जो है 5-6 दिन हो गए इस फैसले की इंतजार करते हैं, नहीं चल गया। तारीख पर तारीख जो है मिल रही है, इसे क्या है जो हम जो है हर तारीख पर जो है फैसला ये देखते भी हमारे हक में फैसला आ गया, खुशी होती है भी आएगा फैसला, और बार बार टाइम आगे दिया जा रहा, और चलो इंतजार करेंगे जो CAS जो फैसला जो देगी हमें जो है तय दिल से उसको स्वीकार करेंगे, और हमें पूरी आस उम्मीद है कोर्ट से CAS से कि हमारे पक्ष में फैसला जो 144 करोड़ भारतवासी इस चीज़ का फैसले का इंतजार करें, हमें उम्मीद है वो फैसला हमारे हक में आएगा और अब सारे भारतवासी इसे खुश होंगे, और जो विनेश यहाँ आएगी तो हम उसका जो 140 करोड़ भारतवासी हम जो उसकी जो स्वागत जो गोल्ड मेडल की तरह स्वागत होता है वह स्वागत करेंगे, यही करेंगे। बार बार जो फैसला टल रहा है इससे बार बार फैसला टल रहा है 11-13 और अब देखिए 16 होने वाला है, इससे मनोबल कहीं टूट तो नहीं रहा है क्या, फैसला अपने आप में नहीं आएगा? देखिए जो फैसला बार बार टल रहा है इससे कुछ उम्मीद भी जग रही है और कुछ परेशानियां भी हो रही, क्यों एक बार यूँ इंतजार करते हैं, जो इंतजार बहुत बहुत कठिन काम होता है, इंतजार जो घड़ियाँ बहुत लंबी होती हैं, तो हमें जो इंतजार कर रहे हैं जो हर आज जो अपने झंडे से अपने जो मिठाइयों से हम पटाखे से हम जो तैयार बैठे थे ताकि हमारे हक में फैसला आज आएगा, हम इसका कोर्ट से हमें पूरा आस उम्मीद है CAS से कि जो है हमें वो दिन 16 तारीख को जो है आगे न बढ़ाकर जो हमारे हक में फैसला आने की पूरी उम्मीद है। सर बार बार जो डेट दी जा रही है कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उम्मीद है या फिर बार बार क्यों टाला जा रहा है? देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ जो फैसला जो जो आगे पोस्ट होता जा रहा है जो फैसला, तो और आस उम्मीद जगती है हमें कि भी हमारे ताकि हमारे हक में CAS जो फैसला वो खुशी जो है सारे भारतवासियों को जो है पूरी आस उम्मीद है मिलेगा। इस बीच विनेश या सोमवीर राठी उनके पति या किसी और सदस्य कोई बातचीत हुई? देखिए मेरी किसी बात नहीं, क्यों मैं सिर्फ इस जो तारीख आती इस इंतजार में जो है सब कुछ भूल रहा, सिर्फ एक फैसले का इंतजार है। देखिए हमें आज जो है 5-6 दिन हो गए इस फैसले की इंतजार करते हैं, नहीं चल गया तारीख पर तारीख जो है मिल रही है, इसे क्या है जो हम जो है हर तारीख पर जो है फैसला ये देखते भी हमारे हक में फैसला आ गया, खुशी होती है भी आएगा फैसला, और बार बार टाइम आगे दिया जा रहा, और चलो इंतजार करेंगे जो CAS जो फैसला जो देगी हमें जो है तय दिल से उसको स्वीकार करेंगे, और हमें पूरी आस उम्मीद है कोर्ट से CAS से कि हमारे पक्ष में फैसला जो 144 करोड़ भारतवासी इस चीज़ का फैसले का इंतजार करें, हमें उम्मीद है वो फैसला हमारे हक में आएगा और अब सारे भारतवासी इसे खुश होंगे, और जो विनेश यहाँ आएगी तो हम उसका जो 140 करोड़ भारतवासी हम जो उसकी जो स्वागत जो गोल्ड मेडल की तरह स्वागत होता है वह स्वागत करेंगे, यही करेंगे। बार बार जो फैसला टल रहा है इससे बार बार फैसला टल रहा है 11-13 और अब देखिए 16 होने वाला है, इससे मनोबल कहीं टूट तो नहीं रहा है क्या, फैसला अपने आप में नहीं आएगा? देखिए जो फैसला बार बार टल रहा है इससे कुछ उम्मीद भी जग रही है और कुछ परेशानियाँ भी हो रही, क्यों एक बार यूँ इंतजार करते हैं, जो इंतजार बहुत बहुत कठिन काम होता है, इंतजार जो घड़ियाँ बहुत लंबी होती हैं, तो हमें जो इंतजार कर रहे हैं जो हर आज जो अपने झंडे से अपने जो मिठाइयों से हम पटाखे से हम जो तैयार बैठे थे ताकि हमारे हक में फैसला आज आएगा, हम इसका कोर्ट से हमें पूरा आस उम्मीद है CAS से कि जो है हमें वो दिन 16 तारीख को जो है आगे न बढ़ाकर जो हमारे हक में फैसला आने की पूरी उम्मीद है। सर बार बार जो डेट दी जा रही है कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उम्मीद है या फिर बार बार क्यों टाला जा रहा है? देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ जो फैसला जो जो आगे पोस्ट होता जा रहा है जो फैसला, तो और आस उम्मीद जगती है हमें कि भी हमारे ताकि हमारे हक में CAS जो फैसला वो खुशी जो सारे भारतवासियों को जो पूरी आस उम्मीद है मिलेगा। इस बीच विनेश या सोमवीर राठी उनके पति या किसी और सदस्य कोई बातचीत हुई? देखिए मेरी किसी बात नहीं, क्यों मैं सिर्फ इस जो तारीख आती है इस इंतजार में जो सब कुछ भूल रहा, सिर्फ एक फैसले का इंतजार है।